टेक्नोलॉजी की दुनिया की जानी मानी कंपनियों में से एक IBM आज सिर्फ कंप्यूटिंग ही नहीं कई अन्य क्षेत्रों में भी अपने पैर जमा चुकी है, फिर चाहे वो क्लाउड कंप्यूटिंग हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या हो ब्लॉकचेन, जिसके आज के समय में मौजूद चेयरमैन एंड CEO है अरविंद कृष्णा। ये कितनी अच्छी बात है कि अमेरिका जैसे विशाल देश के कंपनियां आज देश विदेश में मौजूद है, फिर चाहे गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, मास्टर कार्ड हो या हो पेप्सिको, जिनके बड़े औहदों की कमान एक भारतीय ने संभाली है या संभाल चुके हैं। वैसा ही एक नाम अरविंद कृष्णा का है जो आज इंटरनेशनल बिजनेस मशीन यानी कि IBM के चेयरमैन एंड CEO पद पर विराजमान है। ये कितनी खुशी की बात है, ये सब देखकर दिल गदगद हो जाता है कि हम भारतीयों को मौका मिले तो हम क्या क्या कर सकते हैं और किस ऊंचे मुकाम तक किसी भी संस्था को ले जा सकते हैं। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के CEO सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नडेला, मास्टर कार्ड के मौजूदा चेयरमैन और CEO रहे अजय पाल सिंह बंगा, पेप्सिको की CEO रही इंदिरा नुई, कुछ ऐसे लोगों के नाम है जिन्होंने अपने देश का नाम बहुत ऊंचा उठाया है। वैसा ही एक नाम अरविंद कृष्णा का भी है। आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले में जन्मे, साल 1962 में पिता विनोद कृष्णा जी के घर। अरविंद के पिता पेशे से आर्मी में मेजर जनरल रैंक के ऑफिसर थे एंड माता आरती कृष्णा जो अपना ज्यादातर समय आर्मी ऑफिसर्स की विडोज के वेलफेयर में बिताती थीं। अरविंद ने अपनी स्कूलिंग तमिलनाडु में मौजूद स्टेनोस एंग्लो इंडियन हाईएस्ट सेकेंडरी स्कूल कन्नौर से पूरी करी है एंड अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री अरविंद ने IIT कानपुर से प्राप्त करी है साल 1985 में। अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करने के बाद वह US चले गए, जहां की यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस में अपना दाखिला लिया PhD करने के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। अरविंद ने अपने करियर की शुरुआत IBM के साथ ही करी साल 1990 में IBM के थॉमस जे वाटसन रिसर्च सेंटर से, जो कि IBM रिसर्च का मेन हेडक्वार्टर है, जिसमें वह करीब 18 सालों तक रहे साल 2009 तक, जिसके बाद उन्हें जनरल मैनेजर का रोल दिया गया इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप का IBM के, जिसके बाद साल 2015 में अरविंद IBM रिसर्च सेंटर के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर नियुक्त किए गए, जिसके कुछ समय बाद ही उन्हें IBM में क्लाउड एंड कॉग्निटिव सॉफ्टवेयर डिवीजन का भी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर चुना गया। अरविंद का बहुत बड़ा नाम था टेक्नोलॉजी के नए फील्ड्स में IBM के नाम को एस्टेब्लिश करने का, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग और ब्लॉकचेन में। IBM के इतिहास की सबसे बड़ी एक्विजिशन रही रेड हैट कंपनी की एक्विजिशन में भी अरविंद का बहुत बड़ा हाथ था। रेड हैट की एक्विजिशन करीब $34 बिलियन की रही, यानी कि करीब 3400 करोड़ की, जो साल 2019 की जुलाई में जाकर पूरी हुई। अरविंद को पिछले साल जनवरी 2020 में CEO के पद के लिए चुना गया, जिससे पहले गिनी रे मोती को CEO का पद प्राप्त था, जो साल 2012 से IBM की CEO थी। ये सब देखकर दिल गदगद हो उठता है कि हम भारतीय ना जाने क्या क्या कर सकते हैं। अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश की वर्ल्ड की टॉप टेक्नोलॉजिकल कंपनीज की कमान हम भारतीयों के हाथ में है। अगर हम सब मिल जाएं, तो ना जाने हम अपने देश को कहां से कहां तक पहुंचा दें। अपने देश को आगे लेकर जाना, अपने देश का नाम ऊंचा करना, ये हमारे खुद के हाथ में है। अगर हर भारतीय ईमानदारी से काम करे तो हम अपने देश को नई बुलंदियों तक पहुंचा सकते हैं और अपने देश को सबसे आगे लाकर खड़ा कर सकते हैं। That's all in this video. Thanks for watching. Please वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा।